बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज की जो रेसिपी है बहुत ही सुपर डिलीशियस एंड स्पाइसी मज़े की रेसिपी है। आप लोगों ने इसे ज़रूर 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 ट्राई करना है। जब कुछ अलग से खाने को दिल कर रहा हो, टाइम भी ना हो और बच्चों को भी एक नई चीज़ खिलानी हो ना, तो फटाफट 10 मिनट में ये पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो जाता है। ब्रेड पिज़्ज़ा, ब्रेड के स्लाइस ले लेने। आपने देखे कितना सॉफ्ट है और कितना माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा हमारा पिज़्ज़ा जो है वो घर में हमने 10 मिनट में रेडी कर लिया है। और हमें क्या चाहिए? बगैर हमने आटा गूंदे डो बनाए, कुछ भी नहीं इंतज़ार करना पड़ा कि डो बनाएंगे, टाइम चाहिए, कुछ भी नहीं। यहाँ पे जी आपने थोड़ा सा चिकन लेना है और उसको अपनी मर्ज़ी की सॉस डाल के, इसमें मैंने डाला है सोया सॉस और नमक, और इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला और इसको पकने के लिए रख दिया। जब ये चिकन ने अपना पानी छोला, टेंडर हो गया और चिकन हमारा रेडी हो गया। बस इसमें और मैंने कुछ नहीं डाला। ये पिज़्ज़ा सॉस है, इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ें और ऐड की थी, सिरका ऐड किया था और इसमें मैंने टमाटो केचप थोड़ी सी और डाल दी थी। और अगर आप नहीं डाला तो पिज़्ज़ा सॉस ही काफ़ी है। यहाँ पे जी ले लेंगे ब्रेड, जो कि है सैंडविच ब्रेड। 3 स्लाइस ही काफ़ी हैं, क्योंकि ये स्लाइस बड़े होते हैं और 3 ही काफ़ी हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से स्लाइस बहुत बड़ा और हेल्दी सा होता है, तो 3 स्लाइस काफ़ी थे। बच्चों का तो रोज़ा है। ये उस दिन की वीडियो है जो मुझे बिल्कुल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे बाज़ार भी जाना था और मुझे घर में भी कुछ काफ़ी काम थी, जो मैंने सारे काम जो हैं वो निपटा के आज मैंने अपनी वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूँ। बच्चों को भी मैंने बना के दिया। उस दिन बच्चों का रोज़ा था, काफ़ी चीज़ें बनानी थी और फिर ना टाइम कम था। मैंने फटाफट से ये वाला पिज़्ज़ा, बच्चों को पिज़्ज़ा खाना था, ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई किया। शिमला मिर्च ले ली, टमाटर ले लिए, प्याज ले लिया, उनको ना मैंने चॉप कर लिया। जिस तरह से हम ऑमलेट में डालते हैं ना, वो थोड़ा सा इससे और ब्रिक चॉप हुआ हुआ था, ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा मोटा कटा हुआ था। लेकिन जो पिज़्ज़ा के ऊपर होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है। आप अपनी मर्ज़ी के से यहाँ पे कटिंग कर लें सारी चीज़ों की। मोज़रेला चीज़ ले लेनी है, 3 अंडे लेने हैं और हमने ऑलिव्स लेने हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं। घर की चीज़ों से हमने पिज़्ज़ा जो है वो रेडी कर लिया था। सबसे पहले जी अपने 3 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं, उनकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। सारी चीज़ों को जो है वो चॉप कर लेना है। मोज़रेला चीज़ को मैंने क्रश कर लिया है और सॉस भी मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पे जी अंडे मैंने एक बॉल के अंदर निकाल दिए हैं और अब आपने इनको कर लेना है बीट। और यहाँ पे इसके अंदर मैंने अपनी मर्ज़ी से, मर्ज़ी है तो डाल ले वरना स्किप करते हैं। यहाँ पे मैंने जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी से चीज़ें ऐड की थी और इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लिया था। रमज़ान में इंशाल्लाह 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 मैं बच्चों को ज़रूर बना के दिया करूँगी, क्योंकि मसला डो होता है कि डो जो है वो बनाएं फिर वो 2-3 घंटे या 1-2 घंटे ले लेती है, तो फिर वो होता है। ये फटाफट बनने वाला पिज़्ज़ा है, किसी भी टाइम आप जब दिल चाहे पिज़्ज़ा खाने को बना के खा लें, बहुत माशाल्लाह से बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर जी मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो डाल दी हैं और इनको फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। और जी यहाँ पे ये देखिए सब चीज़ें हो गई मिक्स। ब्रेड को हमने डाल देना अंडों वाले बॉल के अंदर। बॉल जो है वो आपने एक खुला बॉल ले लेना है कि जिसमें आपके ये स्लाइस जो है वो इजीली सारे आ जाएं। यहाँ पे जी सारी ब्रेड जो है वो मैंने डाल दी। काउंटर मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब ये ना कहिएगा जी शलफ पे काट लिया ब्रेड, क्योंकि जो कटिंग बोर्ड था उसके ऊपर मैंने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर सब कुछ कटिंग करके रख लिया था। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, ताकि अंडा जो है वो सारी ब्रेड के ऊपर लग जाए। यहाँ पे जी आप जिस चीज़ में बेक करना चाहते हैं, मैं अगर तो पिज़्ज़ा पैन है तो बेस्ट है, नहीं है तो कोई भी चीज़ आप ले लें। आप इसको पतीली के अंदर, कढ़ाई के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, जिसमें भी आप अपनी पिज़्ज़ा वगैरह बेक करते हैं ना, उसमें आप बेक कर सकते हैं। और मैंने इसको किया था ओवन के अंदर और 25 मिनट
मैं कटिंग शटिंग सब कुछ डाल के उसमें मेरा ये पिज़्ज़ा 10 मिनट में ये पिज़्ज़ा जो है ना वो रेडी हो जाता है। यहाँ पे जी आपने इसके ऊपर आपने सॉस लगा देनी अच्छी तरह से, इस तरह से चीज़ डाल देंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं आप वो अपने मुताबिक डाल दें। मैंने तो भर भर के काफ़ी डाली थी क्योंकि बच्चों को खिलाने का एक यही तरीका होता है वेजिटेबल, बच्चे तो वेजिटेबल खाते नहीं हैं, तो समोसे वगैरह या पिज़्ज़ा या ऐसी चीज़ें मैक्रोनीज़ वगैरह में ही बच्चे खाते हैं, वरना तो बच्चों को सुनते कुछ हो जाता है कि सब्ज़ियाँ नहीं खानी। तो फिर इस तरह से मैं इनको ना खिलाती, ऑमलेट के अंदर भी शिमला मिर्च खा लेते हैं, टमाटर खा लेते हैं, तो फिर मैं ऑमलेट के अंदर भी डाल के इनको खिलाती हूँ बच्चों को। यहाँ पे जी मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो पिज़्ज़ा के ऊपर लगा दी हैं डो के ऊपर, और यहाँ पे अब हम लगाएंगे अब चिकन। चिकन जो है वो भी काफ़ी मैंने लगा दिया था, जो चिकन बच गया था ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली थी, और फिर मेरे पास ये पिटा ब्रेड वो भी इनको मैंने उसका भी शवारमा टाइप बना के दिया था, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बच्चों ने खुशी खुशी वो भी खाया था, बड़े शौक से खाया था। यहाँ पे जो चीज़ बच गई थी वो फिर से हम लगा देंगे। यहाँ पे जी अब हम लगा देंगे लास्ट में आके ऑलिव्स, आप लोग मेरी अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर भी किया करें। माशाल्लाह ये देखें जी पिज़्ज़ा जो है उसकी डो और पिज़्ज़ा की फिलिंग सारी हो गई है। अब हम इसको करते हैं बेक 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह से ये देखें पिज़्ज़ा हमारा काफ़ी माशाल्लाह फूल गया है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है, और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और कितना मज़े का पिज़्ज़ा लग रहा है, और वाकई ही बहुत मज़े का था। यहाँ पे मैंने सारे स्लाइस जो थे वो एक बार ही कटिंग कर दिए थे, मैंने कहा अपने अपने पीस निकाल लेंगे और खाते जाएंगे। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे जी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पीस निकाल लूँ लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, फिर मैंने दूसरा लिया केक कटिंग वाला, और ये देखें इसके साथ मैंने इजीली निकाल लिया, और माशाल्लाह से देखें नीचे से भी कितना अच्छा कुक हो गया है और पूरा स्लाइस जो था वो निकल आया था। मैंने तो स्लाइस पकड़ा खाया, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।